everyone, और आज मैं आप सबको सिखाऊंगी डिविजिबिलिटी बाय टू। डिविजिबिलिटी बाय टू होता क्या है? डिविजिबिलिटी बाय टू में आपको एक नंबर दिया होता है, वो नंबर जब हम टू से डिवाइड करें और रिमाइंडर जीरो आए तो इसका मतलब ये है कि वो टू से डिविजिबल है। पर जब हम उस नंबर को टू से डिवाइड करें और रिमाइंडर जीरो नहीं आए तो इसका मतलब है कि वो टू से डिविजिबल नहीं है। तो अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देना चाहती हूँ। एक्सरसाइज में इनमें से आपको बताना है कि कितने नंबर्स टू से डिविजिबल हैं और कितने नहीं हैं। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए। होप आपने इसका आंसर निकाल लिया हो। इसने नहीं निकाला है, मैं उसको आंसर बताती हूँ। तो यहाँ पर मुझे 3 नंबर दिए हुए थे तो मैंने उनको बहुत जल्दी निकाला। कैसे, आइए मैं आपको बताती हूँ। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि हमें जो हमारा लास्ट डिजिट होता है, हर नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है, अगर वो इवन लिस्ट में आता है। अब इवन लिस्ट कौन सी है? 0, 2, 4, 6 और 8, ये सारी इवन लिस्ट है। अगर किसी भी नंबर के एंड में ये वाले डिजिट्स आती हैं, इसका मतलब है कि वो टू से डिविजिबल है। तो हम इनकी मदद से चेक करेंगे। तो मैं देखती हूँ 5, मैं चेक करूंगी कि वो मेरी ईवन लिस्ट में है कि नहीं। तो वो नहीं है, इसका मतलब है कि वो टू से डिविजिबल नहीं है। तो अब मैं दूसरा नंबर चेक करूंगी। तो मैंने देखा कि लास्ट का नंबर कौन सा है, 6। 6 इसकी लिस्ट में आता है, इसका मतलब ये यस है, ये टू से डिविजिबल है। लास्ट नंबर 9, मैंने देखा कि वो लिस्ट में नहीं आता है, इसका मतलब वो टू से डिविजिबल नहीं है। तो अब मैं इसका रीजन बताऊंगी। अभी हमने सीखा शॉर्ट मेथड, अब हम शॉर्ट मेथड का रीजन समझेंगे। तो मैं इस नंबर को ब्रेक करूंगी 2, 1, 3, 5, ऐसे हम सारे नंबर को ब्रेक कर सकते हैं। हमने ब्रेक कैसे किया है? हमने हमारी लास्ट डिजिट को साइड में लिया है और जो हमारे बाकी के नंबर है हमने उनको साइड में लिया है, और जो हमारे बाकी के नंबर थे उनमें हमने एंड में जीरो लगा दिया है। तो अब हमारे दो पार्ट बन गए हैं। तो जो ये वाला पार्ट है उसमें हमारे एंड में जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल है, और जो नंबर 10 से डिविजिबल है वो तो 2 से डिविजिबल भी होगा। तो अब हमारा सारा डिपेंड करता है इस लास्ट पार्ट पे। और ये हमारा लास्ट पार्ट क्या है? हमारा लास्ट पार्ट है लास्ट डिजिट। तो अब इसलिए हम चेक करते हैं कि हमारी लास्ट डिजिट इवन है या ऑड। अब हमारा सारा डिपेंड करता है हमारे लास्ट पार्ट पे। और हमारा लास्ट पार्ट क्या है? हमारा लास्ट पार्ट है हमारी लास्ट डिजिट। इसी वजह से हम हमेशा अपने लास्ट डिजिट को चेक करते हैं। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया हो। आप भी टॉकिंग टेल में अपना वीडियो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप भी अपना वीडियो जरूर सबमिट कीजिए। आइए मिलकर इंडिया को और भी टैलेंटेड बनाते हैं।